गाइस अभिजीत भाई और मेरी लव स्टोरी के बारे में बता रहा हूँ। मैं जब छोटा था तब मैं नहर के बाजू में टॉयलेट करने जाता था, तमरेल हाथ में लेके ऐसे ऐसा भागते भागते जाते वक्त। स्ट्रेट रहा ना बाबा, किरण नहीं स्ट्रेट रह के क्या करूं, मुझे प्यार है अभिजीत भाई से, हमारे प्यार की दास्तां 10 साल पुरानी है भाई। तुम लोग यार भड़काओ मत हम लोग का। हां एक तो पहले से रिश्ता है, और अभी भाई और मैं दोनों टिकटॉक पे आने वाले अभी, और दोनों वीडियो बनाएंगे साथ में। वो रोमांटिक वीडियोस जो आजकल मुझे देख रहे हैं और इतना संताप हो रहा है ना, आइचा गावा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस मुझे उस चीज से, लेकिन ये वीडियो में क्या कर रहे हो? अबे जिंदगी बर्बाद होने पे तुली हुई है, हम इमेजिन क्या करते हैं? मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, मतलब किसी लड़की का हाथ आएगा वो ऐसा एकदम मस्त गा रहा है मेरे हाथ में तेरा, और काज करके कोई लड़का है उसके हाथ में हाथ दे रहा है, फिर मीठी मीठी अबे काज चल रहा है, ऐसा लगता है छुरा लेके काज करके मुंडी काट लू खुद की। क्या बोला? मतलब करो, प्रॉब्लम कुछ नहीं, लेकिन ये क्या चल रहा है? दूर है। हाँ हाँ चलो चलो निकलते हैं, अबे मूवीज निकलने लगेंगी। इच्छा गावा चिमनी पाकर, ये टिकटॉक कर रहे तो आयरनी आने रहे कुछ कुछ। अरे जब से वो मूवी आया था ना, मतलब उस चीज को रिस्पेक्टफुली लो, रिस्पेक्टफुली उस चीज को, ये क्या क्रिंज बना देते। चल शाम थैंक यू 40। अरे वो मूवी भी बहुत अच्छी है अभी भाई। भाई यार वो लव स्टोरी आपने बता दो यार, जब हम दोनों गाइस अभिजीत भाई और मेरी लव स्टोरी के बारे में बता रहा हूँ। मैं जब छोटा था तब मैं नहर के बाजू में टॉयलेट करने जाता था, तमरेल हाथ में लेके ऐसे ऐसा भागते भागते जाते वक्त एक बार मेरी टकराव अभिजीत भाई से हुई और मेरा टमरेल नीचे गिर गया। उन्होंने वो टमरेल उठाया और अपने टमरेल का पानी मेरे टमरेल में आधा आधा होता, फिर हम दोनों ने एक साथ शीशी की और उस टाइम से हम एक दूसरे को पहचानने लगे। तब से भाव गर्लफ्रेंड आएगा तुमची रियल मध्ये सांगा ना। कुणाल जी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी बॉयफ्रेंड है, मेरे बहुत सारे। सुनो सुनो मुझे स्टोरी बतानी है, अभी हंसो मत, रुको बताना है, अभी बताना है। हितेश कोंटे थैंक यू 40। हितेश कोंटे भाव एक गाना होने जाओ। अरे जरूर हितेश जी होगा गाना, रुको जरा गाता हूँ। उसको मैंने आधा पानी दिया था यार, तब से वो, और तब से गाइज मैं जब भी जाता था नहर के बाजू में, अभी भाई हमेशा अपना टमरेल हाथ में लेके बैठते थे और मुझे आधा पानी देते थे। और उसके बाद ऐसे ही हम लोग मिलते गए एक दो वीक में, फिर मूवी के लिए डिसाइड हो गया, फिर दोस्ताना देखने चले गए। नई मूवी आई थी गाइस जॉन और अक्षय कुमार की दोस्ताना, बहुत अच्छी थी, हम दोनों ने दोस्ताना मूवी देखी, बहुत हमारा दोस्ताना काफी गहरा हो गया था। और उसके बाद गाइस आज हम ऐसे हैं, बहुत अच्छे से कट रहा है सब कुछ, मस्त चल रहा है, मस्त एकदम। नहीं मोगी ये इतनी बेस्ट लव स्टोरी किसके नहीं हो सकती। जब जब मेरा अभी भाई का धक्का मुझे लगा और जब वो टमरेल सांटे वक्त जो दर्द मेरे हृदय में था, सेम दर्द अभी भाई के हृदय में भी दिखा मुझे। फिर जो गाना बजा बैकग्राउंड में, फिर बैकग्राउंड में हवाएं चलने लगी, गाना बजने लगा, सारी दुर्गंध बाहर दूर चली गई। गर्लफ्रेंड कैसी पटाने की 3 टिप्स दे दो। शुभम गुड पगार, अरे चुम्मा एक टमरेल लेके जाओ। देखो सिंपल है, गर्लफ्रेंड अगर आपको दिखे तो हाथ में टमरेल लेके जाओ, जानबूझ के धक्का दो और अपना टमरेल गिराओ, फिर उसको व्हाइट बटेगा, वो अपने टमरेल का पानी आपके टमरेल में भरेगी और आपको प्यार हो जाएगा। आपको आपके गानों को फुल इज्जत। थैंक यू रिजवान भाई, थैंक यू सो मच। पाली का लेन देन होएगा।